इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना मत भूलिएगा, जिसे आप देख सकते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले। आप लोगों ने 2G के बारे में सुना होगा, 3G के बारे में सुना होगा और 4G के बारे में सुना और उसे इस्तेमाल भी किया होगा क्या? मगर आप लोगों ने कभी 4.5G के बारे में सुना है? अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, मेरा नाम है साथ और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो वाई ट्राइब ने आजकल बड़ा शोर शराबा डाला हुआ है कि हम 4.5G सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ये सच है या झूठ, इस वीडियो में जानिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ आजकल, क्योंकि आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं या मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वाई ट्राइब के बारे में, और अब बहुत से आपने न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट और बहुत सी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उन पर एड्स देखे होंगे कि वाई ट्राइब जो है पाकिस्तान का सबसे तेज तरीन इंटरनेट सर्विस 4.5G प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो 4.5G की टर्म, इसको लेकर बहुत से लोग जो हैं कंफ्यूज्ड हैं कि ये 4G की नेक्स्ट वर्जन है, क्या ये 4G से कितना तेज है, कितना डिफरेंट है, डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शंस है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि ये 4.5G असल में क्या चीज है और वाई ड्राइव क्या असल में आपको ऐसा इंटरनेट कोई कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो पहली बात तो ये है कि 4.5G कनेक्शन के बारे में आप लोगों को बताता चलूं कि 4.5G जो कनेक्शन होता है वो बेसिकली एक 4G जो है 4G सर्विस या 4th जनरेशन जो आपको सर्विस मिल रही है उसका एक अपग्रेड है। अब अपग्रेड के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट हार्डवेयर्स या लाइंस जो इस चीज़ को प्रोवाइड कर रही होती है 4G सर्विस को, उसे जो है अपग्रेड कर दिया जाता है, जिससे आपको जो स्पीड्स हैं इंटरनेट की वो ज़्यादा स्टेबल मिलती हैं और जो उसका सेल होता है वो टावर का, वो ज़रा उसकी रेंज जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है और साथ साथ जो है आपको इंटरनेट स्पीड में भी थोड़ा सा जो है इंक्रीज देखने को मिलता है, थोड़ा सा जैसे कि 2 या 3 गुना जो है स्पीड थोड़ी बहुत तेज़ हो जाती है। मगर इसको बहुत से लोग कन्फ्यूज करते हैं 5G के सर्विस के साथ, क्योंकि 5th जनरेशन जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट हार्डवेयर है और 4G और जो 4.5G जो है ये 4G और 5G के दरमियान की एक जनरेशन है जो 4G से बेहतर है मगर 5G से थोड़ी सी कम स्पीड ये आपको फिलहाल देगा। आप इसको एज अ सिंपल टर्म या आम ज़बान में इतना ही समझ लें कि 4G सर्विस की अपग्रेड है। अब वाई ट्राइब की तरफ से अगर हम लोग देखा जाए तो वाई ट्राइब ने जो है एक जो स्पीड रिकॉर्ड है होम फाइबर नेटवर्क जो आप यूज कर रहे हैं, जोंग का भी फाइबर लिंक है और PTCL तो ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करता है, वाई ट्राइब ने जो एक होम फाइबर नेटवर्क के ऊपर जो आम फाइबर नेटवर्क जो आम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर एक स्पीड रिकॉर्ड जो है 200 मेगाबिट्स पर सेकेंड, उनका क्लेम करना है कि उन्होंने उस स्पीड को ब्रेक किया है जो कि वर्ल्ड तो नहीं खैर पाकिस्तान की फास्टेस्ट जो है फाइबर होम सर्विस की स्पीड है 200 या 200 मेगाबिट्स पर सेकेंड उन्होंने स्पीड को अचीव किया है। मगर आर्टिकल को उनके ध्यान से पढ़ें जो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश किया गया है, इधर ये इसका इतना मतलब नहीं है कि आपको 200 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड अब मिलेगी पाकिस्तान के अंदर, इतने शोखे या इतने चौड़े होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में उनका जो मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं जो वाई ट्राइब को हेड करते हैं उनके जब आप स्टेटमेंट को देखें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है हमने एक बैरियर जो है 200 मेगाबिट्स पर सेकेंड का तोड़ा है मगर हम 200 मेगाबिट्स पर सेकेंड अपने यूजर्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे। मगर उसके साथ एक डिप्लोमेटिक एक स्टेटमेंट दी गई है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम बहुत तेज इंटरनेट सर्विस और बहुत स्टेबल इंटरनेट सर्विस अपने यूजर्स को देंगे जो कि 4.5G जिसका नाम उन्होंने दे दिया है उसे। अब इसके साथ साथ वो हाई स्पीड इंटरनेट को 4.5G का नाम दे रहे हैं, उनका कहना है कि उनके पास ऐसी सर्विसेज हैं जो 4G से अपग्रेडेड 4.5G की हैं और वो आपको देंगे बहुत ज़्यादा तेज इंटरनेट स्पीड और साथ में जो है वो 4G से 2 से 3 गुना ज़्यादा आपको स्पीड मिलेंगी। अब इस चीज़ से मैं भी काफ़ी इंस्पायर हुआ था और मैंने सोचा यार इनको चेक तो करें, अगर ये अच्छी चीज़ या अच्छी इंटरनेट स्पीड पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे हैं तो इनको थोड़ा सा देखा जाए और रिसर्च की जाए और अगर बजट में या कुछ सीन बनता है तो मैं भी इसे यूज़ करूँ, इसे ट्राई करूँ। और इसके साथ ही मैं वाई ट्राइब की जो है वेबसाइट के ऊपर गया और उधर जब मैंने देखा कि इंटरनेट प्लान या पैकेजेस जब देखे तो मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो दोनों हाथों से लूटा जा रहा है आवाम को और बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। आपको कम अज़ कम बेसिक प्लान में भी एक्टिवेशन के 5,000 रुपये देने पड़ेंगे और सिर्फ 50 GB आपको 1,500 रुपये के अंदर दिया जा रहा है।
यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 50 GB एक हाई स्पीड इंटरनेट जैसे 4.5G ले लें या 4G ले लें, आप खुद बताएं अगर आपका पूरा घर वो 50 GB इस्तेमाल करे तो कितने दिन आप 50 GB, कितने हफ्ते के अंदर 50 GB ख़त्म हो जाए अगर आप हैवी यूज़र्स हैं। और मेरे जैसे कॉन्टेंट क्रिएटर जो अपलोड करना हो जिन्होंने या बहुत सी बड़ी फाइल्स डाउनलोड करनी हो उनके लिए 1500 रुपये के अंदर सिर्फ 50 GB। और इसी तरह ये तो सबसे बेसिक प्लान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और बड़े प्लान हैं वो काफ़ी महंगे हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव है। और इन्होंने एक नीचे जो है थोड़ा सा रहम किया है, साथ में 3G की सर्विस भी दे दी है जिसके पैकेज थोड़े से सस्ते हैं। अच्छा चाहे तो वो इस तरह नहीं है कि वो बहुत अच्छे हैं मगर सही हैं, और जिस तरह पाकिस्तान में और 3G सर्विस के पैकेज हैं वो उसी तरह के हैं बिल्कुल सेम। अब मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वाई ट्राइब जो है आपको नहीं दे रहा सर्विस 4.5G की या 4G से अच्छी कोई सर्विस नहीं दे रहा। मेरा कहने का मतलब इतना है कि आपको अगर एक अच्छी चीज़ जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस की है वाई ट्राइब ने, उसको मार्केट से फीजिबल बनाए, इतना बनाए कि आम यूज़र आम लोगों के जो है वो यूज़ कर सकें उस चीज़ को, इसको इतना एक्सपेंसिव या इतनी कॉस्टली ना रखा जाए कि आम लोग तो कहें यार ये इंटरनेट हम लोगों के लिए नहीं है, ये बहुत महंगी चीज़ है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर वो इंटरनेट सर्विस जो है जैसे वो क्लेम करें कि वो 4.5G की सर्विस देंगे तो वो इसको फीजिबल रखें थोड़ा सा। इसको अभी मार्केट में जो है ये पूरी तरह से नहीं आया ना, इतने लोगों ने इसे इंस्टॉल नहीं करवाया अपने घर के अंदर, तो जैसे जैसे ये अभी फैलता चला जाएगा लोग इसे लगवाते चले जाएंगे, इसके साथ साथ इसकी रियलिटी आती जाएगी। और अगर आप लोग प्लान कर रहे थे वाई ट्राइब को लगाने के लिए तो अभी थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा वेट कर लीजिए, अभी देख लीजिए कि लोग किस तरह लगा रहे हैं, उनकी कस्टमर सर्विस कैसी है, किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, सिग्नल्स की क्या स्ट्रेंथ है और किस तरह के वो आपको पैकेजेस फ्यूचर में जो है वो कंपनसेट करके देंगे। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और मैं कोई वाई ट्राइब के खिलाफ नहीं हूँ, बस मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और मैंने जो सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, और अब किस तरह मैंने इस चीज़ को जो पाकिस्तान में काफ़ी एडवर्टाइज़ की जा रही है उसके बारे में मैंने क्या सोचा। और इसके साथ साथ मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में कोई भी बात होगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देंगे। इसी तरह मैं आप लोग इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज लाता रहूंगा, आई होप आप लोग मेरी वीडियोज को देखते रहें और सपोर्ट करते रहें। फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, पाकिस्तान जिंदाबाद।